नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी मोदी जी के बारे में, ये वीडियो है द अनटोल्ड स्टोरी है मोदी जी के बारे में। आइए मिलके देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर आप दिन के वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान रखिए, जब आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुल्क के इकबाल को बुलंद करने के लिए काम कर रहे हैं, उनका एक भाई दिल्ली से 1000 किलोमीटर दूर एक पेट्रोल पंप में लोगों की गाड़ियों में ईंधन भर रहा है। उनका एक भाई ठेला निकालकर पतंगे बेच रहा है। उनका एक भाई कबाड़ी का काम कर रहा है। उनके दो बुजुर्ग भाई वृद्धाश्रम या अपने निम्न मध्यवर्गीय इलाकों वाले घरों में रहकर रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। उनका एक भाई पशुओं के बाड़े में हेल्पर का काम कर रहा है। कितना अजीब लगता है ना, इतना बड़ा मुल्क, उस मुल्क की सियासत, उस सियासत का सिरमौर और उसके परिवार के लोग इतना सामान्य जीवन जी रहे हैं। इसमें ताज्जुब की बात नहीं है और दोष हम भारतवासियों का भी नहीं है। दरअसल मोदी के पहले जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनके परिवार के लोगों ने सियासत के जरिए सुख सुविधाओं के तमाम इंतजाम जुटाए और हमें इसकी आदत पड़ गई और हम उनको राज परिवार की तरह ट्रीट करने लगे। इस पूरी लिस्ट में एकमात्र अपवाद मोदी के ठीक पहले 10 बरस तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, जिनकी दोनों बेटियां सत्ता की चकाचौंध से दूर रही और बतौर शिक्षक अपने पेशे के प्रति पूरी ईमानदारी के साथ वफा निभाते हुए काम कर रही हैं। लेकिन बाकी प्रधानमंत्रियों के परिवारों का क्या, और शुरुआत कहां से की जाए? समाजवाद के लाडले देश के पहले प्रधानमंत्री, गांधी की आंखों के नूर जवाहरलाल नेहरू, क्या सोचना था नेहरू का परिवार के प्रति? एक वाकया सुनाता हूं। साल 1959, कांग्रेस के तमाम बुजुर्ग बैठे थे, वजह कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग। जल्द ही नेहरू का कार्यकाल बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पूरा होने वाला था, नए नाम सामने आ रहे थे। अब वो कौन सा अनुभवी नेता होगा जो कांग्रेस की कमान को हाथों में लेकर आगे बढ़ेगा? एक नाम इंदिरा गांधी का आया। नेहरू के एक चापलूस ने इस नाम का जिक्र किया। इस पर नेहरू के साथी और यूपी के वरिष्ठ मंत्री गोविंद वल्लभ पंत बिफर गए। बोले, नहीं नहीं, इंदु इस काम के लिए अभी तैयार नहीं है। और अब नाराजगी की बारी नेहरू की थी, जो पंत पर नाराज होते हुए बोले, इंदु हम सबसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये एक बाप का बयान नहीं था, ये एक ताकतवर राजनेता की प्रस्तावना थी। उसने जमीन पर कुदाल मारकर वंश का बीज बो दिया था, जिससे उगे दरख्त की शाखें अब तक कांग्रेस को अपने घेरे में लिए हुए हैं। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप ये तय करें कि वो दरख्त कितना खोखला हो चुका है। सच्चाई अगर तथ्य में बयान करनी हो तो इतनी है कि नेहरू की चौथी पीढ़ी के नुमाइंदे राहुल गांधी कांग्रेस की सदारत की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ से नारे लगते हैं, राहुल गांधी लाओ, देश बचाओ, कांग्रेस बचाओ। और ज्यादा वक्त नहीं है जब इसी देश की गलियों में आपको रेहान गांधी लाओ, देश बचाओ के नारे मिलेंगे। रेहान गांधी प्रियंका गांधी के बेटे, प्रियंका गांधी जिनका लगातार जिक्र हो रहा है यूपी के चुनाव के लिए। पर गांधी परिवार के किस्से तो इस मुल्क ने बहुत सुने हैं। बाकी प्रधानमंत्रियों का भी हालचाल ले लेते हैं। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री अपनी सादगी के लिए विख्यात। उनके दो बेटे सियासत में आए, अनिल और सुनील। एक कांग्रेस के साथ रहे, ज्यादातर चुनाव हारे, दूसरे जनता पार्टी और जनता दल के खेमे में रहे, चुनाव जीते भी और हारे भी, मंत्री भी बने। और अब शास्त्री परिवार की तीसरी पीढ़ी के नुमाइंदे आदर्श शास्त्री अरविंद केजरीवाल की टीम का हिस्सा है, द्वारका से विधायक है। तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिनके बारे में आप सबको पता है, इंदिरा गांधी का जब कांग्रेस के संगठन से झगड़ा हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने उनको नया सिंबल दिया, गाय और बछड़े का। और इंदिरा जब अपने दम सत्ता पर काबिज हुई तो बहुत जल्द उनके छोटे बेटे संजय गांधी ने पहले तो मम्मी का सहयोग करना शुरू किया और फिर पूरी पार्टी और सरकार को अपने हाथ में लेने की कवायद शुरू कर दी। इंदिरा के विरोधी कहा करते थे, ये जो आपको कांग्रेस का गैया बछड़ा नजर आ रहा है, ये दरअसल इंदिरा और उनका छोटा बेटा है।
फिर इमरजेंसी का दौर आया और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार। प्रधानमंत्री बने मुरारजी देसाई। मुरारजी देसाई और उनका परिवार सत्ता के लिए कितना व्याकुल था, इसका एक उदाहरण कुलदीप नैयर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो उन्होंने अपनी किताब में दिया है। ये वाकया नेहरू की मौत के बाद का है। लुटियंस दिल्ली में कांग्रेस के अलग अलग धड़े प्रधानमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी जता रहे थे और ऐसे वक्त में मुरारजी देसाई के बेटे कांति अपने ही बाप के बंगले में लॉबिंग खुलेआम कर रहे थे, पत्रकारों के सामने भी अपने दावे को बताने से हिचक नहीं रहे थे, नंबर गिनवा रहे थे। लेकिन अगले रोज जब अखबार में ये खबर छपी कि अभी तो नेहरू की चिता भी शांत नहीं हुई और मुरारजी देसाई अपने बेटे के जरिए सत्ता पर दावेदारी कर रहे हैं, पासा पलट गया और बयार शास्त्री के पक्ष में बहने लगी। मुरारजी देसाई के बाद प्रधानमंत्री बने चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह कुछ ही महीने प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसानों की राजनीति तो वो अरसे से कर रहे थे और इस राजनीति में उनको दिशा दिखाई थी लोहिया ने, जो वंशवाद के मुखर विरोधी थे। लेकिन देखिए राजनीति की विडंबना, जब चौधरी साहब का सूरज अस्ताचल की तरफ बढ़ा तो उन्होंने पार्टी संभालने के लिए अपने बेटे चौधरी अजीत सिंह को बुला लिया। ये बात और है कि अजीत सिंह परदेश से पढ़कर लौटे अजीत सिंह सियासत की बारीकियों को उतना नहीं समझते थे और मुलायम सिंह यादव, जिनके परिवार के विखंडनवाद की नई नई थ्योरियों से आप रोजाना दो चार हो रहे हैं, उन्होंने अजीत सिंह के पांव के नीचे से सत्ता का गलीचा खिसकाने में देर नहीं लगाई। अजीत सिंह के बाद अब उनके बेटे चौधरी जयंत, जो इस वक्त राष्ट्रीय लोकदल यानी कि अजीत सिंह की पार्टी से यूपी में सीएम के कैंडिडेट भी हैं, और उसके बाद देश को फिर से इंदिरा और राजीव मिले। राजीव के बाद बारी आई राजा मांडा यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह की। विश्वनाथ प्रताप सिंह उस दौर में भ्रष्टाचार के विरोध के प्रतीक बन गए थे, राजनीति में जो जड़ता छा गई थी उसके विरोध के प्रतीक बन गए थे। लेकिन राजा मांडा के साहबजादे अजय प्रताप सिंह भी सियासत में आए, 2009 तक जनमोर्चा के अध्यक्ष रहे और उसके बाद अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय करके सत्ता के गलियारों में नए सिरे से आमद दर्ज करवाने लगे। फिर बारी आई चंद्रशेखर की, बलिया के बाबू साहब। 2007 तक तो चंद्रशेखर खुद सांसद रहे और जब उनकी मौत हुई तो उनके बेटे नीरज शेखर को सपा ने उनकी बलिया सीट से चुनाव लड़वाया। साल 2014 में जब नीरज शेखर बलिया से सांसदी हार गए तो नेताजी ने उनको राज्यसभा भेज दिया। चंद्रशेखर के परिवार के दूसरे कई सदस्य भी सियासत में है, कोई MLC है तो कोई किसी निगम का चेयरमैन है। फिर आए PV नरसिम्हा राव, जिनके बेटे राजेश सांसद भी रहे और विधायक भी। नरसिम्हा राव के बाद बारी आई देवेगौड़ा की, जिनके बेटे कुमारस्वामी ने कर्नाटक में सरकार भी चलाई और दल को भी संभाल रहे हैं। उनके बाद प्रधानमंत्री बने इंद्र कुमार गुजराल, जिनके बेटे नरेश गुजराल अकाली दल से राज्यसभा के सांसद हैं। फिर बारी आई अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनके एक भांजे मध्य प्रदेश में काबीना मंत्री रहे अनूप मिश्र और भतीजी करुणा शुक्ला छत्तीसगढ़ से BJP की सांसद रही। ये बात और है कि साल 2014 के चुनाव के ठीक पहले उन्होंने नाराजगी जताते हुए पार्टी छोड़ दी। अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र आया तो ये भी बताते चलें कि वाजपेयी का दत्तक परिवार, जो उनके साथ रहता था, उनकी बेटी नमिता और उसके पति रंजन भट्टाचार्य, उनका सत्ता के गलियारों में काफी दखल माना जाता था। उस वक्त के राजनीतिक पत्रकार रंजन भट्टाचार्य की ताकत के तमाम किस्से बयां करते हैं। वाजपेयी के बाद बारी आई मनमोहन सिंह की, जिनके बारे में मैंने पहले ही बताया कि उनकी दो बेटियां हैं और दोनों ही पेशे से शिक्षक हैं और राजनीति के प्रति कोई रुझान नहीं दिखाती हैं। मगर आज तो बात नरेंद्र मोदी के परिवार की होगी, वो परिवार जो आम आदमी का जीवन जी रहा है। और इस परिवार के लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोचना है उनका नरेंद्र मोदी के बारे में? क्या उनका मन नहीं करता है कि वो देश के सबसे ताकतवर शख्स के घर में आकर रहें और सत्ता की तमाम सहूलियतों का मजा लूटें? आपको बताते हैं नरेंद्र मोदी का परिवार क्या करता है और क्या कहता है। नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई सोमा भाई मोदी, उम्र 75 साल, वड़नगर के वृद्धाश्रम में रहते हैं और मोदी के बारे में क्या सोचते हैं, इसकी वानगी एक वाकये से पता चलती है। पुणे में वृद्धाश्रम से जुड़ा एक कार्यक्रम था, वहां पर सोमा भाई भी मौजूद थे। मंच पर उपस्थित संचालक ने जनता के सामने ऐलान कर दिया, सोमा भाई हमारे प्रधानमंत्री के बड़े भाई हैं। सोमा भाई अचकचा गए। सोमा भाई मंच पर जाकर बोले, मेरे और नरेंद्र मोदी के बीच एक पर्दा है जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन मैं देख सकता हूँ। नरेंद्र मेरा छोटा भाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरा कोई वास्ता नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मैं देश के 123 करोड़ नागरिकों में से एक हूं और कुछ भी नहीं। नरेंद्र मोदी के दूसरे भाई पंकज, जिनके साथ उनकी माँ हीराबेन रहती हैं, उनकी मोदी से मुलाकात होती रहती है क्योंकि प्रधानमंत्री अक्सर अपनी माँ से मिलने जाया करते हैं। पंकज की आर्थिक स्थिति भी बाकी भाइयों के मुकाबले बेहतर है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में अफसर के तौर पर काम करते हैं। मिलिए प्रधानमंत्री के दूसरे बड़े भाई से, नाम अमृत भाई मोदी। एक निजी कंपनी में फिटर का काम करते थे, 10,000 रुपए पगार मिलती थी। 72 की उम्र है, रिटायर हो चुके हैं। एक बेटा है संजय, जो छोटा मोटा काम करता है। परिवार ने बड़े जतन के साथ पिछले बरस एक मारुति खरीदी है, जो घर के बाहर अक्सर तिरपाल से ढकी रहती है, खास मौकों पर निकाली जाती है। संजय के पास एक ऐसी चीज है जो उन्हें लगता है कि जब वो अपने नरेंद्र काका को दिखाएंगे तो उनकी आंखों में चमक आ जाएगी। 1970 के दशक में जब नरेंद्र अपने भाई अमृत भाई के साथ रहते थे तो लोहे की एक भारी सी आयरन का इस्तेमाल करते थे अपने कपड़ों में इस्त्री करने के लिए। संजय ने वो इस्त्री संभाल कर रखी हुई है। वो कहते हैं, काका के लिए तो ये किसी टाइटैनिक के डूबे टुकड़े के मिलने जैसा होगा, मैं उनको ये जरूर दिखाऊंगा। घर में काका के पुराने वक्त की याद दिलाता सिन्नी का एक पंखा भी मौजूद है। और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चौथे भाई अशोक भाई मोदी, प्रधानमंत्री के चार चार नरसिंह दास के बेटे। अशोक भाई वड़नगर के घी काटा इलाके में एक ठेला लगाते थे कुछ बरस पहले तक, जिस पर रखकर पतंगे, पटाखे और कुछ खाने पीने का सामान बेचते थे। एक दो साल पहले उन्होंने 8x4 फुट की एक दुकान किराए पर ली है और उसी के सहारे अपनी रोजी रोटी गुजार रहे हैं। अशोक भाई और उनकी पत्नी वीणा एक जैन कारोबारी के सप्ताह के अंत में गरीबों के लिए चलाए जाने वाले भोजन लंगर कार्यक्रम का भी हिस्सा हैं। यहाँ पर अशोक भाई कढ़ी और खिचड़ी बनाते हैं और वीणा बर्तन मांजती हैं, इससे भी उनको कुछ अतिरिक्त आमदनी हो जाती है। ये पति पत्नी 3 छोटे-छोटे कमरों के एक मकान में रहते हैं। नरेंद्र मोदी के एक और भाई भरत भाई मोदी, जो वड़नगर से 80 किलोमीटर दूर लालवाड़ा गांव में एक पेट्रोल पंप पर अटेंडेंट का काम करते हैं। 6,000 रुपए महीने की तनख्वाह है, तनख्वाह कम है इसलिए 10 दिन में एक बार घर जा पाते हैं। और घर में उनकी पत्नी रमीला बेन है, जो घर से ही किराने का सामान बेचती हैं और 2-4 हजार रुपए महीने के जुटा लेती हैं। और इन दोनों का भाई चंद्रकांत, जो अहमदाबाद के एक पशु गृह में हेल्पर का काम करता है। नरेंद्र मोदी के एक और चचेरे भाई हैं अरविंद भाई मोदी, जो वड़नगर और उसके आसपास के इलाकों में कबाड़ी का काम करते हैं। 3 पत्थर खरीदते हैं घर घर जाकर और फिर बस में लादकर बड़े कारोबारियों को बेचते हैं। उनकी पत्नी रजनी भी हैं, जो इसी तरह के छोटे मोटे काम कर कर पति को गृहस्थी चलाने में मदद करती हैं। इन दोनों के कोई बच्चा भी नहीं है। और अब बात नरेंद्र मोदी के उस भाई की, जो अपने भाई के बाद सबसे ज्यादा खबरों में रहता है। नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई प्रहलाद मोदी, जो गल्ले की एक दुकान चलाते हैं और इससे जुड़ी एक यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और इस पद के नाते कई बार गुजरात की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी कर चुके हैं। दरअसल प्रहलाद भाई का ये मानना है कि राज्य सरकार की नीतियां गल्ले के छोटे कारोबारियों के लिए मुफीद नहीं है और इसलिए कई बार उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपने विरोध का ऐलान किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में क्या सोचते हैं? इंडिया टुडे के पत्रकार उदय माहूरकर को दिए इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा, इस बात का श्रेय मेरे भाइयों और भतीजों को जाता है जिन्होंने मुझ पर कभी भी दबाव नहीं बनाया किसी भी तरह का। शायद ये हमारे और उनके अंदर आरएसएस ने जो घुट्टी पिलाई है उसका असर है, जहां पर पद देश की सेवा के लिए है, परिवार की समृद्धि के लिए नहीं। नरेंद्र मोदी के आलोचक ये बात कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का परिवार, बृहत्तर परिवार, भले ही गरीबी में जी रहा हो लेकिन वो खुद लाखों का सूट बूट पहनते हैं। वो राहुल गांधी की तरह नरेंद्र मोदी की सरकार को सूट बूट की सरकार भी कह सकते हैं, लेकिन सूट के तंज के अलावा विरोधियों के पास नरेंद्र मोदी के परिवार के खिलाफ कहने के लिए कुछ भी नहीं है। सियासत यूं भी होती है, जब एक व्यक्ति लुटियंस दिल्ली में आकर देश का हुक्मरान बन जाए और बाकी लोग अपने दैनंदिन काम करते रहें, न कि जमीनों पर कब्जा करें, पद प्रतिष्ठा का लाभ उठाएं, कॉरपोरेट घरानों के साथ बड़े बड़े सौदे करवाने में हिस्सेदारी निभाएं। TheLallanTop.com पर सियासत के एक और नए किस्से के साथ हम फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया। क्या बात है जी, जबरदस्त स्टोरी। और स्टोरी में तो
ऐसी जान थी कि बिल्कुल ही पता नहीं चला समय कब बीत गया। और ये इसका पहला पार्ट था। ये मोदी जी की जो स्टोरी है बहुत ही कमाल की स्टोरी है, और जिस तरह से दिखाया गया है बचपन और बचपन से अब जवानी तक पहुंचे हैं, तो कितना ही कठिन रहा उनका ये सफ़र और बहुत सारी मुश्किलें झेली यार, बहुत सारी चीज़ों का आज समझ आई कि उनकी जीवन में जो सख्तियां थी, जो उन्होंने सख्तियां झेली, जो उनके परिवार ने झेली, और उसका गहरा नक्श है आज भी उनके जिंदगी में। और ज़िंदगी को वो किस तरह लेते हैं, इंडिया को किस तरह वो आगे बढ़ा रहे हैं, इंडियन लोगों के साथ किस तरह वो उनके लिए योजना स्कीमें अनाउंस करते हैं, ये सब उनके अल्फाजों से झलकता है। जहाँ एक वह कहते थे कि उनकी माँ घरों में लोगों के काम करती थी, बर्तन मांजती थी, और क्या ही जिंदगी की ये मुश्किल सूरत हाल है। बच्चों को पढ़ाने मेरे घर में एक काम करने वाली आती है सुबह अपनी बच्चियों के साथ, सफाई करके वो चले जाती है, तो यकीन करें बड़ा ही एक अजीब सा एहसास होता है और दिल करता है कि उसकी कुछ ना कुछ मदद की जाए। लेकिन सोच भी आती है कि यार कितनी मुश्किल लाइफ है इसकी, इसके परिवार की, और लेकिन अब क्या है कि ये उसकी लाइफ है, और यही लाइफ थी मोदी जी की माँ की, जिन्होंने उनको जन्म दिया था और ये संस्कार दिए थे। और आज वो नरेंद्र मोदी दुनिया का सबसे पावरफुल लीडर बन के उभरा है। उसके पीछे यही शिक्षा थी, यही उसका बचपन था, यही उसका माजी था, जिसने उसको कुंदन बना दिया, और वो वक्त की इस भट्टी में हमेशा से रगड़ खाता रहा, और आज वो देखिए किस मकाम पर पहुंचा है। हम नहीं अल्फाज हमारे पास नहीं, क्या नहीं। कैसे उसकी ज़िंदगी गुजरी, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को इस लंबे रास्ते पे लेकर आया, और कितनी दफ़ा वो यात्रा पे गए, और कितनी दफ़ा यानी उन्होंने घर छोड़ा। और उनके वाले साहब का देखें कि वो चाय का, वो चाय वाली दुकान भी चलाते थे, और वो नमक भी पीसते थे कि मेरे बच्चों की स्कूल की फ़ीस अदा हो जाए। और उनकी वालदा जो थी वो घरों में काम करती थी, हैं झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, कपड़े धो देना, और मोदी जी अपनी माँ का हाथ बटाते थे, और देखे कि वो चाय की दुकान पे भी जाके काम करते थे और पढ़ते भी थे, लोगों का वो हेल्प भी करते थे। सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने सीखी, जो अपने बचपन से ही, वो क्या था कि लोगों की मदद करना, और लोगों की मदद करने से ही जो आपको सुकून महसूस होता है वो शायद किसी और चीज में नहीं है। इसी के ऊपर जो है ना वो शायर का वो शेर याद आ गया कि जब से चला हूँ मैं मंजिल पे मेरी नजर है, मेरी आंख ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, ये फूल, ये इज्जत, ये शोहरत क्या मुझे विरासत में मिली है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो यही चीज़ें हैं कि जब भी हम किसी लीडर के पीछे ज़िंदगी को देखते हैं तो वो एक कांटों भरे बिस्तर के ऊपर चल के आया होता, रास्ते पे चल के आया। जो हकीकी लीडर होता है उसकी ही होती है, और वो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हमारे वाले तो सोने की सेजों पे लौटते पौटते हैं, सोने के चम्मच उनके मुँह में थे, और क्या ही उनकी शाहाना ज़िंदगी और लाइफ, और फिर आगे मज़े करते हैं और पाकिस्तान के जो अवाम का खून निचोड़ते हैं, और फिर उससे दोबारा से अपने बच्चों के लिए भी एक शाहाना लाइफ बनाते हैं। दूसरी तरफ एक ऐसे मुल्क का लीडर है जिसकी, जो दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और पावरफुल कंट्री, उसको बना दिया, उसको गुर्बत से निकाल दिया, उसको पाँचवीं बड़ी मीशत बना दिया, और कितने कारनामे हैं यार, कितने एक अरब 40 करोड़ जहाँ पे आबादी है, और उस आबादी के लिए एक प्राउड का बाइस बनने वाला एक प्राइम मिनिस्टर, उसको इस बुलंदियों तक पर, उसकी अपनी ज़िंदगी देखिए कितनी सादा है, कितनी मुश्किल गुजरी उसकी ज़िंदगी। और मैं आज जहाँ समझाऊँ कि वो बांग्लादेशियों से आज क्यों इतना प्रेम करते हैं, और क्यों इतना उनके साथ उनका एक रिलेशन बिल्डअप हो चुका है उनके साथ, और वो तो उस चीज़ में शामिल रहे कि उनकी आज़ादी के लिए उन्होंने जेल तक उनको जाना पड़ा। और देखिए ये चीज़ें हैं कि जब ही वो इक्तदार पे आए तो उन्होंने पाकिस्तानियों को भी कहा आओ मिलके चलते हैं, आओ इस माशी तरक्की में मिलके चलते हैं, गुरबत को ख़त्म करते हैं, एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हमारे लोग समझने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें लोगों के लिए तो नहीं चाहिए थी, अपने बच्चों के लिए चाहिए थी, उनके लिए उतना सब कुछ समान हो चुका था। लेकिन नरेंद्र दामोदर मोदी जी
वो चले उस रास्ते पे, और उस रास्ते पे चलते हुए आज वो मंजिल की खोज में हैं, मंजिल के करीब तर हैं, और दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री वो बनने जा रहे हैं। और उसके पीछे क्या है, तवील हार्ड वजह क्या है उसके पीछे, उनकी जिंदगी है, उनकी लाइफ है, उनके घर, वो माँ, उनका जो छोटा सा कमरा, ये सारी जिंदगी अगर हम इसे कभी आंख बंद करके महसूस करें कि उनकी लाइफ किस कदर मुश्किलात से गुजरी है, तो शायद हम जिंदगी के बहुत सारे सबक हमें यहीं से ही मिल जाएंगे। किसी दरसगाह में जो हमें सबक सारी उम्र पढ़ के ना मिल सके, शायद इसी चौकट से मिल जाए, हीरा बाई की चौकट से। तो खैर, जिसने जो पाना होता है वो एक कतरे से भी समंदर को पा लेता है, और जो जिसने सूखा रहना होता है वो दरिया में नहा के भी वो सूखा रहता है। तो हीरा बाई के घर में जो है ना एक खूबसूरत जो है ना वो जो हीरा तो पैदा हीरा बिल्कुल, और उसको जो है ना तराशा है संग ने, जब वो संग में गए और फिर उसके ऊपर जो वकील साहब हैं उनका बहुत बड़ा रोल है उनकी जिंदगी के अंदर, उनकी डेवलपमेंट के अंदर। और आज के लिए इतना ही, अगर तो अच्छा लगे तो फिर करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, और मोदी जी का हैप्पी बर्थडे भी है तो उनके लिए हमारे दिल से शुभकामनाएं हैं। वो हजारों साल जिए और भारत और भारत के लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ाने की मदद करें, और काश हम भी उनकी दोस्ती का लुत्फ उठा सकें, जो कि मुमकिन तो नजर नहीं आता, लेकिन वक्त दुआई कर सकते हैं, पलटा खाते हुए देर नहीं लगती। तो काश हर किसी की अपनी अपनी एक सोच होती है, विश होती है, और मेरी ये विश है कि पाकिस्तान भी आगे बढ़े और भारत के साथ साथ आगे बढ़े, और जो हम एक थे कभी हम दोबारा से वो एक हो पाए। आई होप सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो फिर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।